हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव। आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल एनालिसिस मेथड जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस जैसे अदर एनालिसिस मेथड्स कौन से हैं। टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस को छोड़ के, और दूसरा एक है, सॉरी तीसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। हालांकि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो अपने काम के लिए नहीं है उतना, वो जो फंड म्यूचुअल फंड हाउसेस है वगैरह उन सबको वो क्वालिटेटिव एनालिसिस काम में आती है। हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ही यूज़ में आती है। और टेक्निकल एनालिसिस में सब पार्ट है प्राइस एक्शंस है, प्राइस एक्शन मेथड, तो वो अभी हम देखने वाले नहीं हैं। फिलहाल हम फंडामेंटल एनालिसिस में ही फोकस करेंगे कि वो फंडामेंटल एनालिसिस एग्जैक्टली होती क्या है, वो कितनी यूज़फुल है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो कितने लोग यूज़ करते हैं और कितने नहीं, और क्यों। तो देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस एग्जैक्टली होती क्या है। तो सबसे पहले जब कंपनी वर्क करती है, जो बिजनेस करती है, वो बिजनेस करते समय हर 3 महीने, 6 और 12 महीने में कंपनी को उसकी जो रिपोर्ट्स है, फंडामेंटल रिपोर्ट्स जो कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बोलते हैं या बैलेंस शीट बोलते हैं, वो कंपनी को सादर यानी सब लोगों को पब्लिश करना पड़ता है। वो कौन देखते हैं? हम जैसे इन्वेस्टर्स, प्रॉस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स जो बोलते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दूसरे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जैसे सेबी हो गया, एनएससी वगैरह हो गया, वो तो वो सब लोग देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के मेथड यूज़ करने के बाद की ये कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, वो जो रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वो देखने के बाद हमें उसका बहुत ज़्यादा हेल्प होता है फंडामेंटल एनालिसिस करवाने के लिए। जो कंपनी एक पेज पे जो रिपोर्ट्स है कंपनी का वो पब्लिश करती है, वो देखने के बाद हम समझ में आ जाते हैं हमें कि कंपनी किस लेवल पे है, वो कंपनी पिछले पहले साल से क्या कैसे परफॉर्म करती है। और ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रोस्पेक्ट यानी ये व्यू कर सकते हैं कि बाद में कंपनी कैसे काम कर सकती है। कंपनी के इथिक्स, पॉलिसीज़, ये सब कुछ वहाँ समझ में आ जाता है। ये फंडामेंटल एनालिसिस जो रहते हैं वो कंपनी की नींव यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है वो है। यहाँ से हमें कंपनी के बारे में सब कुछ पता चलता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना कंपनी में पहले पिछले साल में कैसा कमाया है, कितना ग्रोथ है, कितना डिक्लाइन है, ये सब कुछ समझ में आता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्राइस एक्शन जो करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं वो सिर्फ प्राइस के मूवमेंट पर रहता है, कितना लोग इंटरेस्टेड है, कितना लोग ट्रेड कर रहे हैं इस पर ये जो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बहुत सारा चीज़ अपने को इन्फॉर्मेशन देती है। और देखिए, अगर फंडामेंटल एनालिसिस आपको पता नहीं है तो टेक्निकल एनालिसिस करके भी कुछ काम का नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, किस पीरियड में देखना चाहिए, यानी 15 मिनट के या एक दिन के या एक वीक के। पर देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस का जो ये फील्ड है, और फंडामेंटल एनालिसिस को अगर आपको पता नहीं है तो टेक्निकल एनालिसिस सीख के भी आप जीरो। तो देखिए, अभी देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कितने लोग यूज करते हैं। सारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है या बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं। वो ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस के डेटा पॉइंट्स पे ही फोकस करते हैं। वो रहने दो, या टीवी चैनल्स रहने दो, बिजनेस टीवी चैनल्स, वो भी इसी फंडामेंटल के ऊपर फोकस करते हैं, डेटा पॉइंट्स पर। वो ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस को देखते नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी हो सकता है। अगर न्यूज़ अगर बैड आती है तो अचानक से प्राइस नीचे गिर जाता है, अगर गुड न्यूज़ आती है तो अचानक से प्राइस ऊपर जाता है। पर वो न्यूज़ आने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है फंडामेंटल एनालिसिस, ये है। और दूसरी बात जो है, कितने लोग यूज़ नहीं करते। जो बहुत सारे इंडिविजुअल जो है, नए नए लोग आए हुए हैं, मार्केट के बारे में जितना कुछ पता नहीं है, वो लोग फंडामेंटल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो वो इसलिए वो लोग बहुत सारे फंसते हैं मार्केट में। तो देखिए, ये फंडामेंटल एनालिसिस ये लर्न करने के लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, इसीलिए लोग नहीं आते।
टाइम मतलब 1 महीना 2 महीने कभी कभी 3 महीने भी लगते हैं पूरा सीखने के लिए कि पी रेशो क्या रहता है, पीबी रेशो क्या रहता है, कैपिटल कितना है वगैरह वगैरह। कैपिटल वगैरह तो चीज़ें आम बात है, पर बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल रेशोज हैं वो लोग नए लोग समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। उनको पैसा डालने के बाद में अचानक से झट से पैसा प्रॉफिट आना यही सोचते हैं और इसीलिए लोग एंट्री करते हैं मार्केट में। पर फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा नहीं काम करता है। वो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स अपने को पहले से पता रहना चाहिए और कितना रेशो कौन से रेशो का इम्पोर्टेंस कितना है वो भी समझ में आना चाहिए। कितना रहना चाहिए हर एक सेक्टर हर एक इंडस्ट्री में हर एक कंपनी में अलग अलग रहता है, तो वो फिजिबल कितना है वो अपने को स्टडी करना पड़ता है और उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए। वो आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना पहले। तो देखिए बाद में फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो स्टडी करने के लिए 5 मिनट से लेकर 2 दिन तक लगता है। यानी अगर आप समझ लो एक बार समझने के बाद आपको 5 मिनट 10 मिनट में भी आप क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हो, पर थरो एनालिसिस नहीं। थरो एनालिसिस करने के लिए 1 2 दिन 4 दिन भी लगाना पड़ता है एक एक कंपनी के लिए, तभी तब जाकर आप समझ पाओगे कि कंपनी कैसी है, सच में इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं। और दूसरी तीसरी बात है कि ये एनालिसिस करने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है। देखिए कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड। जो कॉमन सेंस है वो हर एक आदमी के पास नहीं रहती है। बहुत सारे लोग अनकॉमन सेंस पे ही भरोसा करते हैं, यानी उनके पास कॉमन सेंस की चीजें नहीं रहती है, इसलिए वो क्या है मार्केट में कॉमन सेंस के ऊपर मार्केट काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस छोड़ दो, पर फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कॉमन सेंस ही चाहिए। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे बाद में एक के बाद एक। और हमारी एक अदर वेबसाइट भी है arablelife.com, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा और आप समझ लेना। और दूसरे भी कुछ लिंक्स है जो इम्पोर्टेंट है, लाइक स्टॉक मार्केट अकाउंट ओपन करने के लिए वगैरह जो भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। और आप इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, अगर कुछ सुझाव है तो आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।